जिलाधिकारी के निर्देशानुसार बिजली विभाग की ओर से बिजली संबंधित समस्याओं को लेकर वार्डवार कैंप लगाए जा रहे हैं। वहीं जनपद रामपुर में जिलाधिकारी अनंजनी कुमार सिंह के निर्देशानुसार शिविर लगाए जा रहे हैं, जिसमें विद्युत उपभोक्ताओं की विद्युत बिल, विद्युत मीटर एवं विद्युत आपूर्ति समेत विभिन्न प्रकार की समस्याओं को दूर कराने के लिए जिले भर में जगह जगह शिविर लगाए गए हैं। शिविर में आई सभी 221 शिकायतों में से 175 का निस्तारण ऑन द स्पॉट किया गया है। वहीं आइए अब सुनते हैं अधिशासी अभियंता भीष्म कुमार प्रथम क्या कह रहे हैं। डीएम साहब के निर्देश में ये कैंप लगाए जा रहे हैं वार्ड वाइज, और ये 4 तारीख से 11 तारीख तक का टाइम है। इसमें हर डेली 4 से 5 कैंप, हमारे यहाँ पे 6 कैंप लग रहे हैं एसडीओ वाइज और हर एक वार्ड में। तो इसमें जो किसी का बिल खराब है उससे संबंधित शिकायतें मिल रही हैं उसको सही कराया जा रहा है टेकअप करके, और जो खराब मीटर है, किसी का मीटर खराब है वो नहीं बदला गया है पूर्व में, तो उसको बदलवाया जा रहा है। उसके अलावा किसी का नया कनेक्शन खुला नहीं है, पहला बिल नहीं प्राप्त हुआ है, उसका बिल दिलवाया जा रहा है। और भी कई तरह की छोटी छोटी समस्या है, किसी की विद्युत सप्लाई की समस्या है उसको साथ में ऑन द स्पॉट सही करा दिया जा रहा है। इसके अलावा जो देहात में की समस्याएँ थोड़ी अलग टाइप की हैं, जैसे कि अनमीटर से मीटर होना, ये वहाँ पर अटेंड कराया जा रहा है। कितनी समस्याओं का समाधान हुआ है अब तक? अभी तक शहर में 221 समस्याएं हमें कल तक मिली थी, 221 में से 175 का निस्तारण ऑन द स्पॉट कर दिया गया। 46 समस्याएं ऐसी थी जो ऑन द स्पॉट नहीं हो सकती थी, सिस्टम पे बैठ के ऑफिस में उनका निस्तारण किया जा रहा है, एक दो दिन में वो भी फाइनल हो जाएगी। कौन कौन लोग वहाँ मौजूद रहते हैं कैंप में? ज़्यादातर कैंपों में एसडीओ, जेई और TG2 रहते हैं। कई बार एक एसडीओ होने की वजह से दोनों कैंप में उपस्थित होते हो नहीं पाते, तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए अलग अलग कैंप में वो बैठ रहे हैं। तो आपका नाम आप निरीक्षण करते हैं जाकर? हाँ, आज मैंने निरीक्षण किया है 4 कैंपों का, एक मोरी गेट पे, एक पहाड़ी गेट पे और एक नवाब गेट पे, 2 कैंप। टाइमिंग क्या है इसकी? टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम के 3 से 4 बजे तक। 11 तारीख तक लगेगा? 11।